हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप पहले क्या होती है, पहले उसे अंडरस्टैंड करें। पहले थोड़ा हम इलेवंथ में जाते हैं। इलेवंथ के अंदर आप लोगों ने जो सीखा वो टोटली कनेक्टेड विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि जिसमें ओनली वन मैन ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका होगा, लॉस होगा तो भी उसका ही होगा। यानी कहने का मतलब कि कहीं दूसरे माइंड, कोई दूसरा माइंड यूज होता नहीं है, ओनली ओनर। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कम से कम एक से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी नहीं है कि सिंगल ओनरशिप के अंदर बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, लेकिन किसी की व्यक्ति को अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना हो तो ये दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन अगर है तो क्या है वो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है कि उसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत द रिक्वायरमेंट। उसे आदमी भी चाहिए और ज़्यादा काम हो सके ऐसा कुछ भी चाहिए। दैट मीन्स एक उसकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अगर ये परफेक्ट होता तो ये न्यू एक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टेटिस्टिक या अकाउंट दोनों चीज़ में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले क्यों और क्या, इसका रीज़न हमेशा फाइंड करने का। क्यों का मतलब होता है भाई, पार्टनरशिप एक्ट आया क्यों हमारे दिमाग में। जब कोई पर्सन बिजनेस करते करते अगर ऐसा फील करे कि भाई अब मुझे दूसरे पार्टनर की ज़रूरत है, फील दैट मीन्स उसे फंड रिक्वायरमेंट हो या फिर उसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो या उसे क्वालिटी पर्पज हो, दैट मीन्स कोई ऐसी ज़रूरत जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसे समय में वो ये चाहता है कि मेरे साथ बिजनेस करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ में हो। दूसरा व्यक्ति दैट मीन्स वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय हमेशा जो काम करता है वो अपने आवर्स के हिसाब से काम करता है, जितना उसे सैलरी मिलेगी उसी हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन ओनर, उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और कोई भी भाई मैं 2-8 ही घंटे काम करूंगा, 10 घंटे काम करूंगा, ऐसा वो नहीं बोल सकता। दैट मीन्स वो हमेशा उसे अपने बिजनेस की तरह करेगा। इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो फंड भी लेके आए और साथ साथ में हमारे साथ जितना हम कमिटमेंट के साथ काम करते हैं उतना ही वो काम करे, जिसकी वजह से उसे एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई। तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक न्यू एक्ट शुरू हुआ जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये उन्होंने ये सोचा गया कि जब एक से दो व्यक्ति मिलके काम करेंगे, मिनिमम टू पार्टनर, जब दो या दो से अधिक लोग मिलके काम करेंगे दैट मीन्स पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों क्रिएट होती है, दैट द बिहाइंड द मेन, दे आर 3 reasons। फर्स्ट रीजन द मोर फंड रिक्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में अगर समझो कि फंड की रिक्वायरमेंट है, अब फॉर एग्जांपल कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे 10 लाख रुपीज की जरूरत है, तो 5 लाख तो मेरे पास में है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाए जो 5 लाख भी लाए और मैन पावर भी लाए। कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास फंड तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास 10 लाख पूरे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं एक जगह पे सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे दूसरे प्लेस पे भी अपना बिजनेस शुरू करना है, तो वहाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी तरह से कमिटेड होकर काम कर सके। दैट मीन्स फंड रिक्वायरमेंट एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट। और थर्ड क्या होता है कि बिजनेस के अंदर मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ती है और लोगों की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स मैंने ये भी कहा कि हम सैलरी बेस्ड पर्सन को भी काम पे रख सकते हैं, पर सैलरी बेस्ड पर्सन काम कितना करेगा, 8 आवर्स 10 आवर्स, उससे ज़्यादा वो काम करेगा नहीं। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो व्यक्ति हमें पूरी तरह से एक ईमानदारी के साथ हमारे साथ काम कर सके, हमारे साथ 24 आवर्स इन हिज माइंड ऑपरेटिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके। तो ये दैट द बिहाइंड द रीजन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की जरूरत कब पड़ी, जब आदमी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना हो, अपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट करनी हो, तब उसको जरूरत लगती है कि भाई मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। अब ये एक्ट बना 1932 में। उसके बाद में 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसकी वजह से कुछ इसमें चेंजेस आए, लेकिन पहले मैं आपको 1932 के हिसाब से बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या
फर्स्ट जो पार्ट एक्ट बना जो पार्टनरशिप, वो एक्ट कब बना, 1932 में। डिफाइन पार्टनरशिप एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स डेफिनेशन थोड़ी सी ऑकवर्ड है इस अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन मैं इसको इजी बनाता हूँ कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है उन लोगों के बीच जो बिजनेस प्रॉफिट पर्पस से शुरू कर रहे हैं और वो सभी के सभी उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे या सभी की सहमति से कोई एक उसको चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम चार पार्टनर हैं, चारों पार्टनर ने मिलकर एक शोरूम को ओपन किया, या तो चारों के चारों ओनर उसी शोरूम पे बैठ के अपना काम करें या चारों की सहमति से कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को ऑपरेट करे, दैट्स द डेफिनेशन। और उसमें होने वाले प्रॉफिट या लॉस को वो अपनी सहमति से डिस्ट्रीब्यूट करे, अगर ऐसा एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में होता है, दैट्स द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। अंडरस्टैंड, जब कोई बिजनेस के अंदर दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई काम करते हैं, या तो वो बिजनेस सभी के द्वारा संचालित होना चाहिए, सभी के द्वारा मैनेज होना चाहिए, या सभी में से किसी एक पार्टनर के द्वारा संचालित होना चाहिए, दैट्स द कैरिड। और वो आपस में बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हो, ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट, पार्टनर्स। पार्टनर्स किसे कहते हैं, द पर्सन हु एंटर इनटू द सच रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप में जो पर्सन एंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअली अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। जब एक पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, जब वो सारे पर्सन पार्टनर्स मिलके कोई फर्म को शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनर किसे कहते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा। अब बात जब पार्टनर्स की आती है, मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्रेटरशिप में एक ही मालिक होता है, इससे क्या होता है कि जब भी उसे कोई डिसीजन लेना होता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, उसको जो सही लगेगा जो गलत लगेगा वो खुद सेल्फ डिसीजन होता है उसका, कब उसे बिजनेस में ऐड करना है, कब उसको सेल बढ़ाना है, कब उसको परचेज बढ़ाना है, किस तरह से बिजनेस करना है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बट इन द पार्टनरशिप ये पॉसिबल है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड के अंदर जैसे मैंने बताया मिनिमम 2% होते हैं, देर आर मिनिमम 2%, मैक्सिमम 20% और इन द बैंकिंग सेक्टर टोटल 10 पार्टनर्स होते हैं। अब मिनिमम 2 की बात की मतलब कम से कम 2 तो माइंड यूज हो गए। आप जब कोई बिजनेस हम करते हैं उसमें अगर 2 माइंड यूज होते हैं तो जायज है दोनों के डिसीजन कभी कभी सेम नहीं होते, ऐसे में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होने की संभावना और प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि भाई इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एक पार्टनरशिप डीड, दैट मीन्स द वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप शुरू होने से लेके एंड तक की सारी प्रोसीजर उसमें लिखी जाती है। याद रखना स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अपने आप में कितना ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है जिसके अंदर बिजनेस स्टार्ट करने से लेके एंडिंग तक की सारी प्रोसीजर लिखी जाती है, इससे बढ़िया कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस बिजनेस को शुरू करने का कैसे शुरू किया जाए और अंत कैसे किया जाए, अगर ऐसी कोई प्रोसीजर अगर कोई एक्ट में है तो वो सिर्फ किस में है, ओनली पार्टनरशिप में। तो पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके क्या करते हैं, आपस के अंदर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें इन फ्यूचर वो लोग क्या क्या करने वाले हैं उसका पहले से एक शॉर्ट ब्रीफ वो दे देते हैं कि भाई हम फ्यूचर में ऐसे ऐसे प्लानिंग के साथ काम करेंगे, इतना कैपिटल होगा, इतना ये, यानी ऑल थिंग्स। इससे क्या होता है, इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होने से पहले कोई पार्टनर से दिखा सकता है भाई हमने एग्रीमेंट में ऐसा डिसाइड किया नहीं था, तो वो बोल भी नहीं सकता। तो ऐसे में क्या तैयार किया जाता है, पार्टनरशिप डीड, दैट मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि इन फ्यूचर किसी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अब हम पार्टनरशिप, और सबसे इम्पोर्टेंट है टोटल हमारा फर्स्ट पार्ट जो अकाउंट का है वो पार्टनरशिप से कनेक्टेड है पूरा का पूरा, जिसके अंदर कि आपको ये 7 चैप्टर जब तक चलेंगे 1-7, जिसमें से मैं 3rd चैप्टर पूरा कर चुका हूँ, ये 1st चैप्टर में आप चला रहा हूँ, तो टोटल 7 चैप्टर्स में आपको ये सारे के सारे पार्टनरशिप डीड के अंदर आने वाली सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल सब में भी यूज़ में आएंगी, इसलिए जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। पहले पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स अंडरटेक एग्रीमेंट विद इन द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट
पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेबल ऑल द पार्टनर्स इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दैट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करने से पहले सभी पार्टनर्स के सहमति से एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप डीड कैसा होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ए रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हम रिटन में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। देखो नॉर्मली, और दूसरा, ए रिटन एग्रीमेंट इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल। नॉर्मली हमेशा एग्रीमेंट जो होता है बेस्ट कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। क्योंकि गुजराती में कहावत है लखेलू वंचाए, दैट मीन्स अगर हमने कुछ भी डिसाइड किया है तो लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं। अगर ओरल है तो कोई भी पार्टनर्स उसमें पीछे हट सकता है कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था ऐसा, तो ये डिस्प्यूट के वो होते हैं। तो डिस्प्यूट ना हो इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलवेज, इट इज नॉट ए कंपल्सरी बट इट इज ए एडवाइजेबल ऑलवेज पार्टनरशिप डीड इन रिटन एग्रीमेंट, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इन फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में किसी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में या कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस समय एज ए एविडेंस हम पार्टनरशिप डीड को कोर्ट में पेश कर सकते हैं, जिससे क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है। द फॉलोइंग कंटेंट्स इंक्लूडिंग इन द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक एक चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपको ऑलवेज याद होनी चाहिए जब भी आप प्रैक्टिकल सम शुरू करते हो तब। सबसे पहले आइटम दी गई है डिटेल ऑफ पार्टनर्स। डिटेल ऑफ पार्टनर दैट मीन्स अब जो भी पार्टनरशिप डीड बनेगा उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस एंड अदर डिटेल्स, उसके बारे में पूरी डिटेल्स वो पार्टनरशिप डीड में रखी जाएगी। सेकेंड, डिटेल ऑफ फॉर्म। डिटेल ऑफ फॉर्म दैट मीन्स जो फॉर्म हमने पार्टनर्स ने मिलकर खोली है उसका नाम, उसका जो नेम होना चाहिए नेम, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका जो ऑफिस होगा उसका एड्रेस होगा। एड्रेस में किसी भी पार्टनर का एड्रेस भी हो सकता है और किसी जो जहाँ ऑफिस खोलेंगे अपना तीनों मिलके वो भी वहाँ उसका एड्रेस होना चाहिए। टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस दैट मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस क्या कर रहे हो, बिजनेस का नेचर क्या है, किस चीज़ का बिजनेस है, वो नेचर भी हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप दैट मीन्स जब हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं उसका एक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, वो सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट पार्टनरशिप शुरू करने का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे शो होना चाहिए। चलो ये जो फोर आइटम्स हैं ये हमारी सिर्फ पार्टनरशिप से कनेक्टेड है। पार्टनरशिप कैसे शुरू होती है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें बताती है। पर उसके बाद जो चीज़ है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद जितने भी चीज़ें दी गई हैं पार्टनरशिप डीड में सभी आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला आता है फिफ्थ नंबर, कैपिटल। कैपिटल दैट मीन्स किसी भी बिजनेस में कैपिटल कितना लाना है, जिसमें पार्टनर्स लोग डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे, कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ अ नॉट फिक्स अमाउंट। कोई फिक्स अमाउंट होती ही नहीं है, जो जितना पार्टनर्स इन्वेस्ट करता करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है, जो सभी पार्टनर्स उस चीज़ को एग्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिक्स नंबर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल एंड ड्रॉइंग, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि इलेवंथ में आपने सबसे पहले किसी भी टीचर ने आपको समझाया होगा तो व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वर्ड था उसका कैपिटल। कैपिटल और ड्रॉइंग दैट मींस हमने देखा है कि सीखा है कि बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। हम जानते हैं बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। जब ओनर बिजनेस को पैसे देता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जब ओनर बिजनेस से पैसे लेता है फॉर द पर्सनल यूज उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो दैट मीन्स ये तो पार्टनरशिप फॉर्म है, दैट मीन्स आप फॉर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट मीन्स वन टाइप ऑफ फॉर्म दैट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन, आप एक आर्टिफिशियल पर्सन को पैसे दे रहे हो, दैट मीन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फिफ्थ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल कितना होना चाहिए सभी पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करते हैं। सेकेंड, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल में कितना लगेगा वो डिसाइड होता है। फिर आता है सेवन ड्रॉइंग, कोई भी पार्टनर बिजनेस में से कब कितना ड्रॉ करेगा वो भी डिसाइडेड होना चाहिए।
इच्छा हो जब जब जितना हो इच्छा हो ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकता। जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करेंगे कि भाई ये पार्टनर इतना विड्रॉ कर सकता है उसे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। 8 नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस से इंटरेस्ट लेते हैं, उसी तरह से अगर हम बिजनेस से हमने पैसे लिए तो हमें भी इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 9 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप में, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा उससे डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है। यानी यहाँ पे कौन सा 9 नंबर आइटम है, दैट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा तो हम बांटेंगे कैसे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, तो वो हमें रेशियो यहाँ पे शो करना पड़ता है। नेक्स्ट, सैलरी बोनस कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। दैट मींस अब यदि कोई भी पार्टनर, जैसे बिजनेस के अंदर हम पढ़ेंगे आगे कि पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर्स, एक ओनली नेमली पार्टनर्स, यानी कई तरह के हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई एक्टिव पार्टनर्स हैं, अब उसने पैसे तो इन्वेस्ट किए लेकिन साथ साथ में वो बिजनेस को संभालता भी है। अगर वो बिजनेस को संभालेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, तो ये कह सकता है भाई मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में बाकी जो पार्टनर्स है वो डिसाइड करेंगे भाई इसको पर मंथ इतना सैलरी मिलना चाहिए या बोनस मिलना चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए। ये भी पहले ही पार्टनरशिप में डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं होता है तो एट द आफ्टर द सम टाइम प्रिपेयर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप बिजनेस में मांग ही नहीं सकते हो कि भाई मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट डिसाइड हुआ नहीं है। तो एट द टाइम वो प्रिपेयर द पार्टनरशिप डीड, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए कि कौन एक्टिव पार्टनर बनेगा, कोई कौन बिजनेस को संभालेगा। डीड बनने के बाद में कोई चेंज उसमें जल्दी आता नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स ऑफ फर्म। अब कभी कभी बिजनेस के अंदर एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में बिजनेस को फिर से पैसे की जरूरत पड़ती है। अब फिर से दोबारा जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो दो तरह से पूरी की जा सकती है। एक तो जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं वो और कैपिटल इन्वेस्ट करें, पर ऐसा सिचुएशन में होता नहीं है, क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जांपल हम तीन पार्टनर हैं, 1 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो अगर जरूरत पड़ने पर मैं दोबारा पैसे लाऊं वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं फर्म को पैसे दूंगा लेकिन कैसे दूंगा, हाउ टू लोन, मैं उसे लोन दूंगा और एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर मैं इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि फर्म दैट इज द थर्ड पार्टी, मैं फर्म को लोन दे रहा हूं तो फर्म से इंटरेस्ट भी लूंगा। वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो भी आपको पार्टनरशिप फर्म में पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा फ्रॉम द एट द फर्स्ट डे ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आप देखो यहाँ पे कितना बढ़िया रिलेशन चल रहा है यहाँ पे, कि आपने पार्टनरशिप अभी शुरू नहीं की है, शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन शुरू करने से पहले सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। कैपिटल कितना रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ड्रॉइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा सैलरी बोनस या कमीशन पे करना पड़ेगा, अगर मैं बैंक फर्म को लोन देता हूँ तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, दैट्स अ नाइस रिलेशनशिप जो पहले ही क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर, गुडविल। गुडविल दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जब पार्टनरशिप चलाया था गुडविल प्रेजेंट चैप्टर जब पढ़ा कि भाई गुडविल क्या चीज़ होती है। गुडविल दैट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जब भी कोई न्यू पार्टनर्स आता है उसे गुडविल हमें फर्म में लाना ही पड़ता है। गुडविल एक समय के बाद में पार्टनर्स खुद भी कैलकुलेट करते हैं, एवरी आफ्टर सम टाइम ईयर्स दे आर कैलकुलेट द गुडविल, और गुडविल की इफेक्ट क्या होगी वो हम जब सम करेंगे तब समझेंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल कैसे वैल्यूएशन की जाएगी वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 5 और 6, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेंगे। हमें पार्टनरशिप शुरू करने के बाद भी कुछ समय के बाद में ऐसा लगता है कि भाई हमें नए पार्टनर की जरूरत है, तो उस समय नया पार्टनर हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे फर्म के अंदर, कैसे फर्म में ऐड करेंगे, तो उसका एक प्रोविजन होता है, वो प्रोविजन पहले से डिसाइड होना चाहिए। उसी तरह से कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उस रिटायर की प्रोसीजर क्या है, जब वो पार्टनर रिटायर होगा तो हम उसे बदले में क्या क्या देंगे, वो सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जानी चाहिए, कि जिससे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, उसे कितना देना है, न्यू एडमिशन अगर होता है तो उसे कितना लेना है, दैट्स द डिसाइडेड द फर्स्ट डे ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म।
एंड द लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दैट मीन्स क्लोजिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. देखो फर्म आज नहीं तो कल, जो भी पार्टनरशिप फर्म होती हैं वो 10 years, 50 years, 100 years, 200 years, देन आफ्टर ही इट इज क्लोज्ड. जब यू क्लोज होगी तो हाउ टू क्लोज, उसका एक सिस्टम होता है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दैट मीन्स फर्म को बंद करना, फर्म को विसर्जित करना, फर्म को क्लोज कर देना. अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म क्लोज कैसे होगी, उसकी एक प्रोसीजर होती है, वो कैसे क्लोज होगा, तो वो भी हमें कब बताना पड़ता है, द फर्स्ट डे ऑफ द पार्टनरशिप. जिस दिन हमारा पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा उसी दिन डिसाइड करेंगे कि जब पार्टनरशिप फॉर्म बनता है उसी के अंदर ही टोटल पार्टनरशिप डीड में टोटल 10 आइटम्स हमें शो करनी पड़ती है. चलो ये तो मैंने बताया पार्टनरशिप डीड अगर हम बनाते हैं तो. बहुत बार ऐसे भी हम, ये हमारा इंडिया है, हम जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनती तो है, लेकिन बहुत सी पार्टनरशिप आज भी 95% ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही हैं जिनमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. जो फैमिली मेंबर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो जाती है जहाँ पे ट्रस्ट पे काम होता है. तो तब भी पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो उन्होंने बताया कि भाई चलो ठीक है तुम पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते हो, लेकिन कुछ बातें आपको अभी भी याद रखनी पड़ेगी. तो वो कौन कौन सी टोटल बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे इसमें लिखा है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो भी कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी. द फर्स्ट, ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं होता है कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स. यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं होगा, कोई भी पार्टनर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अलावा बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन ऐसी कोई चीज़ वो मांग नहीं सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं हुआ है तो. अगर होगा तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हुआ है तो इनमें से कोई एक भी चीज़ वो मांग नहीं सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं है. थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म. जैसे मैंने आपको आगे बताया कि कोई भी पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा, 6% पर एनम. ये सब में लिया हो, अगर लिखा है दिया है तो ओके, ना दिया हो तो पार्टनरशिप डीड में अगर डिसाइड नहीं है तो कितना होगा, 6% पर एनम. एंड फोर्थ, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इंक्लूडेड बाय द पार्टनर्स फॉर द फर्म पार्टनर्स हैज राइट रिम्बर्स इट. इस पूरे टॉपिक का मतलब है कि कोई भी पार्टनर्स कहीं पर भी, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कोई भी एक्सपेंस करता है इन फेवर ऑफ फर्म. फॉर एग्जाम्पल कि आज इंडिया के अंदर हमारा बिजनेस चलता है, इंडिया में फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर हमारा बिजनेस है. अब वही बिजनेस हम समझो कि उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, यूपी के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे हमने अपने बिजनेस की, कोई एक पार्टनर वहाँ गया और उत्तर प्रदेश में अपने बिजनेस की ऐड करके चलाया और उसने सारे प्रूफ ला के फर्म को बता दिए भाई मैंने फर्म के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मैंने वहाँ पे ऐड की, दैट इज द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. वो किसका बिजनेस कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा. और वो क्या करेगा, फर्म से रीएम्ब्रेसमेंट, रीएम्ब्रेस का मतलब होता है वापस मांग सकता है. वो अपनी फैमिली को घुमाने के लिए कहीं जा रहा है तो वो पैसा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन फर्म के कनेक्शन में अगर फर्म के लिए पैसा अगर वो खर्च कर रहा है तो उसे वो बिजनेस में से वापस मिलता है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्थ आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर. अगर प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे 9 आइटम्स दिया था पार्टनरशिप डीड की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो डिसाइड होना चाहिए. यदि प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो डिसाइड नहीं है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली. सभी पार्टनर्स कैसा भी सम हो, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तक आपको ये याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सब में दिया होना चाहिए. अगर नहीं दिया हुआ है
तो सभी पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल। अगर दो पार्टनर्स हैं तो डिवाइड बाय टू, थ्री पार्टनर्स हैं तो डिवाइड बाय थ्री, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है तो उसके अंदर टोटल 14 आइटम्स याद रखनी पड़ती हैं, और एट द टाइम ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप नहीं बनती है तो भी कुल मिला के ये आपको टोटल 5 आइटम्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी, जिसमें खास करके दो चीज़ें, इफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज नॉट गिवन दैट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, एंड सेकेंड थिंग इज 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द टू द पार्टनर्स फॉर द लॉ टू द फर्म्स, दैट्स ऑल।